नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड सेविन प्रोडिक्शन में। तो दोस्तों, हम जो मैच कवर करने वाले हैं लेजेंड क्रिकेट T20 का पांचवा मैच है, जो कि दोस्तों अभी खेला जाएगा WOG वैसे ASL टीम्स के बीच, यानी वर्ल्ड जायंट्स वैसे एशिया लायंस। डीपली एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में फुल स्टैट्स प्रेजेंट पो। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टैट्स अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इसी वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक करके शुरुआत करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, मैच का जो फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, फाइनल टीम मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो जल्दी से आकर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ लिंक पर क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, बात करें मैच की, तो मैच रात में 8 बजे से स्टार्ट होगा, और दोस्तों जो मैच होने वाला है अल अमरेट क्रिकेट ग्राउंड ओमान के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैं विकेट की, तो बैटिंग विकेट मान के अपनी टीम क्रिएट करिएगा, बैट्समैन को टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को कवर करिएगा, प्लस जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करे तो उनके डेथ बॉलर्स को कवर करिएगा। बॉलर्स को ज्यादा कुछ एडवांटेज है नहीं यहाँ पे इस बिंदु पर। दोस्तों, जो टोटल स्टेज के अभी तक 4 मैचेस खेले गए हैं, 1 मैच पर बैटिंग सेकंड ने विन किया, 3 मैच पे एक मैच पे बैटिंग फर्स्ट ने विन किया हुआ है, 3 मैच में यहाँ पे बैटिंग सेकंड ने विन किया हुआ। तो यहाँ पे कितना भी टारगेट हो सेकंड इनिंग में चेंज हो जाता है इजिली। एवरेज स्कोर की बात करें 180 के आसपास आप स्कोरिंग इस मैच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यदि हाईएस्ट टोटल की बात करें तो यहाँ पे वर्ल्ड जायंट्स ने बनाए हुए हैं 210 रन 7 विकेट पे, और जहाँ पे वर्ल्ड जायंट्स की टीम ने जो 210 रन बनाए हुए थे वहाँ पे दोस्तों इसका रीजन ये था कि वहाँ पे इमरान ताहिर ने भी 50 मार दी थी। आप समझ सकते हैं किस टाइप का विकेट है, जहाँ पे इमरान ताहिर जैसे प्लेयर 50 मार सकते हैं, तो आप उस विकेट की कीमत जान सकते हैं किस टाइप की यहाँ पे बैटिंग होती होगी और कितना ईजी है बैटिंग करना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वर्ल्ड जायंट्स से। इनके 2 मैच हुए हैं अब तक, 1 मैच में जीत हासिल कर, 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा। इनकी तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे केविन पीटरसन और इनसे केविन ओब्रायन। बात करें दोस्तों पीटरसन की, बहुत ज़्यादा अटैकिंग नेचर के बल्लेबाज हैं, हालांकि अपने जमाने के बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन अभी रिसेंट में तो काफ़ी क्रिकेट छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। लास्ट मैच में उन्होंने 53 रन का स्कोर किया, उसके पहले 14 का स्कोर किया, तो ठीक ठाक पिक रहेंगे अपनी टीम में। जो प्लेयर ट्राई कर सकते हैं, मेरे हिसाब से कैप्टन और कैप्टन लायक प्लेयर इस समय नहीं है। इनके साथ ओपन करने आएंगे केविन ओब्रायन। करेंट में क्रिकेट खेल रहे थे, अभी ज़्यादा टाइम इन्हें क्रिकेट छोड़े हुआ नहीं, ना ही ज़्यादा टाइम अभी इन्हें संन्यास लिए हुआ है। उसका प्रूफ भी पहले मैच में दिया था, 95 की धमाकेदार इनिंग खेली थी। लास्ट मैच में 9 रन का स्कोर किया, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने 3 ओवर किए थे, पहले मैच में सिर्फ 1 ओवर, लेकिन 3 ओवर जरूर किए थे, लेकिन 3 ओवर में 48 रन के आसपास इनकी पिटाई हो गई थी, काफ़ी महंगे साबित हुए थे। लेकिन दोस्तों कमाल के प्लेयर हैं, और रिसेंट फॉर्म इनका जबरदस्त है, उसका रीजन है रिसेंट में अभी एक क्रिकेट खेल रहे थे भी कुछ महीने पहले, अभी संन्यास लिया जल्दी ही, तो एक अच्छी चॉइस रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के भी। वन डाउन बैटिंग करने लास्ट मैच में आए थे जोनाथन ट्रॉट, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं, काफ़ी टाइम पहले खेलते थे, लेकिन अभी तो कुछ खास मतलब रहेगा नहीं। हालांकि वन डाउन बैटिंग कर रहे हैं, जो टॉप ऑर्डर पे आ रहा है वो बैट्समैन कोई भी परफॉर्म कर सकता है, इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना। ऐसा विकेट है कि जो टॉप ऑर्डर पे आगे यहाँ पे कोई भी रन बना सकता है, तो आप ट्रॉट को भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। कोर रेडर्सन की बात करें, अपने टाइम के कमाल के ऑलराउंडर हुआ करते थे न्यूजीलैंड के, रिसेंट में भी तो कुछ खास किया नहीं, 18 और 0 का स्कोर है, तो सिर्फ जीएल ट्राई करिएगा क्योंकि बॉलिंग करा नहीं रहे। नीचे देखेंगे ब्रैड हेडन, और ये इस तरीके से पहले जो उन्होंने लास्ट कुछ मैचेस खेले हुए थे वो खेलते PSL में भी 2017 के अंदर, तो समझ सकते हैं 5 साल से क्रिकेट खेले नहीं थे। लास्ट मैच में 21 रन का स्कोर किया, लेकिन ज़्यादा कुछ उम्मीद करिएगा नहीं क्योंकि विकेट कीपरिंग कर रहे हैं वहाँ से, अब जरूर आपको कुछ पॉइंट देंगे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इनका मोस्ट प्रोबेबली नीचे ही रहेगा। एलबी मॉर्कल की बात करें, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है, और काफ़ी टाइम से ये मतलब बीच बीच में क्रिकेट खेलते रहते हैं, हालांकि ज़्यादा टाइम इनको भी संन्यास ली नहीं हुआ, 2-3 साल तो हो ही गए। लास्ट गेम में 3 ओवर डाले, उसके पहले भी 3 ओवर डाले, तो नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे तो बैटिंग भी इजली आ जाएगा, प्लस आपको 3 से लेकर 4 ओवर की बॉलिंग भी डालते हुए नजर आएंगे, तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। नीचे देखेंगे डैरेन सैमी, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं, उस टीम के कैप्टन है, वेस्ट इंडीज़ के लिए भी उन्होंने काफ़ी कैप्टनसी की हुई है, खुद ज्यादा बॉलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ 1 ओवर डाले हैं, लेकिन लास्ट में जो बल्ले से 28 रन किए थे, तो बैटिंग आ गई तो पावर हिटिंग अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, और वेस्ट इंडीज़ प्लेयर को मतलब भाई 50 साल के बाद भी उठा खिला दोगे तो भी छक्का मार देंगे, आधी रात में भी उठ के वो छक्का मार सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर हिटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ठीक ठाक चॉइस रहेंगे। मॉर्नी मॉलकर की बात करें, राइट आर्म पेसर है, और एक अच्छी चॉइस रहेगी, डेथ ओवर्स में बॉलिंग डाल सकते हैं, 4-4 ओवर करा रहे हैं, 3 विकेट ले चुके हैं 2 मैच में, तो अपने इनको भी अपनी टीम में ट्राई करने की अच्छी पिक रहने वाली है। इमरान ताहिर लास्ट गेम में 8 शतक मार दिए, 52 रन मार दिए थे, 19 गेंदों 52 रन मारे थे, जहाँ पर इन्होंने 5 छक्के मारे थे भाई। अब इमरान जैसे प्लेयर यदि 5 छक्के इस बेंडू पर मार सकते हैं, तो समझ सकते हैं किस टाइप का विकेट है, एकदम पाटा विकेट है, कोई भी आओ मारो जाओ भाई, मतलब बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं इसमें बेनू पे। 4 ओवर डाले दोनों मैच में, लेकिन विकेट लग रहे नहीं, ये इमरान ताहिर जो 4-4 ओवर करा रहे हैं ना, इसकी खादी में अब तक 3-4 विकेट किसी भी बेनू पर होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी तक विकेट नहीं मिला, लेकिन विकेट लेके जा सकता है क्योंकि बल्लेबाज हिटिंग करने की कोशिश करते हैं, मिस टाइम होगा तो इसको विकेट मिल सकता है, तो आपने इसको भी अपनी टीम में जरूर ट्राई करना है क्योंकि बॉलिंग नहीं तो बैटिंग से ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, इसको प्रमोट हो सकता है कर दिया जाए इस मैच में क्योंकि लास्ट मैच में 5 छक्के मारे थे। नीचे देखेंगे रियान साइड बॉटम, 3 ओवर डाले, 2 विकेट निकाले, पहले मैच विकेट लेस थे, अब यदि बॉल फर्स्ट हुआ टीम का तो फिर से आप इनको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि डेथ में ये भी बॉलिंग डालने आते हैं, मैं तो गॉट कुछ खास लगे नहीं, ये छोड़ दीजिएगा। अब दोस्तों इनके टीम की तरफ से जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे, यहाँ तो एक हो गए मॉर्नी मॉर्कर, दूसरे यहाँ से हो गए रियान साइड बॉटम, ये लोग डेथ में बॉलिंग करने वाले हैं, और इस टीम का जो बैटिंग ऑर्डर है लगभग यही रहेगा जो मैंने दिया हुआ एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर, लास्ट मैच में भी इसी बैटिंग ऑर्डर के साथ इस टीम ने खेला हुआ था। अब बेंच के कुछ प्लेयर हैं,
दिन में कोई खेले तो स्टेट्स आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी यदि बेंच से कोई भी प्लेयर लाइनअप पर जुड़ेगा तो आपको रिकॉर्ड टेलीग्राम पर मिलेंगे। और इस मैच का फाइनल टीम, कोई भी टीम जो मैं अभी आपको टीम देने वाला हूँ तो उसमें कोई भी हम चेंजेस करते हैं आफ्टर टॉस, तो आफ्टर टॉस की सारी इन्फॉर्मेशन फाइनल टीम टेलीग्राम पर दी जाएगी। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। आपने लिंक पर क्लिक करना है और टेलीग्राम से तुरंत एंट्री ले लेनी है। सारी अपडेट, फाइनल टीम, फाइनल सजेशन सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों में एशिया लाइंस की, तो इनके तीन गेम हुए हैं, दो मैच में जीत हासिल किया, एक मैच में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों इस मैच में ये टीम थोड़ी सी कमजोर मुझे लग रही है, उसका रीजन ये है। हालांकि मैं तो चाहता हूँ कि एशिया लाइंस इस मैच में परफॉर्म करे ताकि ओवर जेंस हार जाए अपना ये मैच, ओवर जेंस यदि हार जाएगी मैच तो जो इंडियन महाराजा है उसको लास्ट मैच में चांस रहेगा कि फाइनल में प्रवेश करने का। लास्ट मैच अपना यदि इंडिया फिर लाइंस इंडिया महाराज जीत जाएगी तो फिर फाइनल में उसे एशिया लाइंस के साथ खेलना होगा। तो हम चाहते हैं कि एशिया लाइंस परफॉर्म करें, लेकिन इनके मेन प्लेयर जिनकी वजह से लोग जीते थे वो सब चले गए हैं, पीएसएल से जुड़ गए हैं। जैसे यहाँ पे हो गए शोएब मलिक, तो खेले ही नहीं थे इस टूर्नामेंट में, तो ये तो पीएसएल से खेलेंगे ही। कामरान अकबर और मोहम्मद हफीज़ दोनों यहाँ पे खेल रहे थे, लेकिन दोनों ही अब जा चुके हैं पाकिस्तान पीएसएल खेलने के लिए, तो इनकी टीम थोड़ा सा मुझे वीक नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी आई होप अच्छा करे एशिया लाइंस। तो स्टार्ट करते हैं, इनकी तरफ से आपको तिलक रहते हैं दिलजान और वहाँ से रोमेश कुलवित्राना ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दिलजान की बात करें सिर्फ एक ही 50 आई है, लेकिन दोनों मैच फ्लॉप रहे हैं क्योंकि पहली बॉल से अटैकिंग नेचर के बैट्समैन ने अटैक करने की कोशिश करते हैं, उसी सिचुएशन में आउट भी हो जाते हैं। एक अच्छी चॉइस रहे कि अपनी टीम में एज अ प्लेयर ले लीजिए, क्योंकि अभी इनकी टीम थोड़ी सी कमजोर भी है तो बॉलिंग भी कभी भी डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार फिर बता दूँ, फाइनल अपडेट टेलीग्राम पर दिया जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आकर जुड़ जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों वहाँ पर काफ़ी सारे लोग जुड़ चुके हैं और हमारा जो 35,000 लोगों की फैमिली का चैनल था वो तो सस्पेंड हो गया था, आपको पता है, दो तीन दिन पहले जो कहानी हुई सब आपको पता है, ज़्यादा बताएंगे जरूरत नहीं। तो हमारा जो दूसरा चैनल है अब वही हमारा मेन चैनल है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। तो जल्दी से ज्वाइन करिए, बहुत सारे लोग जीत रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, आप पीछे हो बाद में पछताओगे, इसलिए जल्दी से जुड़ जाओ। कुलवित्राना की बात करें, उन्होंने 13 किया था, इनसे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं करता कभी भी, लेकिन ओपन कर रहे हैं और जैसे बताया कि इमरान ताहिर जैसे बल्लेबाज इसमें 52 रन मार सकते हैं तो फिर रोमर्स कहाँ पीछे रहने वाले हैं, अभी कभी भी मार सकते हैं, तो इनको भी आप ट्राई कर लीजिएगा। तरंगा की बात करें, अच्छे फॉर्म में चलें, 3 मैच में 350 है, मस्ट हैव पिक रहेंगे, सेफ ऑप्शन कैप्टनसी के भी रहने वाले हैं, ज्यादा कुछ बताएंगे जरूरत नहीं, कमाल के प्लेयर हैं और कुछ टाइम पहले श्रीलंका की नेशनल टीम से भी खेला करते थे और एपीएल में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस था। यूसुफ की बात करें, लास्ट मैच में 26 के, उसके पहले कुछ खास था नहीं, तो इनको भी छोड़ दीजिएगा। असगर अफगान लास्ट मैच में हमने लिया हुआ था और उस बंदे ने हमारा वन साइड क्लीन स्वीप कराया था, कोई नहीं ले रहा था, सबको लेके जाएगा, सब लोग कैप्टन भी बनाएंगे, उसका रीजन ये था दोस्तों। इनको मैं क्यों कह रहा हूँ असगर अफगान इंपॉर्टेंट है, आज से आज नहीं कह रहा क्योंकि लास्ट मैच उन्होंने कर दिया, लास्ट मैच में हमने इनको लिया भी था, उसके पहले कुछ खास इन्होंने किया नहीं था। उसका रीजन ये था कि रिसेंट में अभी क्रिकेट छोड़े हुए इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, इनकी कुल एज 34 ईयर है और मुझे नहीं लगता 34 ईयर से कम का कोई भी प्लेयर दोनों टीम में है, सब 34 के ऊपर ही हैं, तो ज़्यादा एज नहीं हुई इनकी, तो ये मतलब 34 के ईयर में तो लोग इंटरनेशनल भी खेलते रहते हैं, तो इसलिए अभी इन्होंने इंटरनेशनल से जल्दी संन्यास लिया। रिसेंट में क्रिकेट खेल रहे थे जैसे केविन ओब्रायन हो गए, असगर अफगान हो गए, इन लोगों को परफॉर्म करने के ज़्यादा चांस है क्योंकि अभी तक क्रिकेट से जुड़े रहे हैं, इसलिए असगर अफगान फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लास्ट गेम में 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकाले तो बॉलिंग भी मिल सकता है आज भी, और बल्ले तो भाई कमाल कर ही सकते हैं। मिसबाह लोग भले ही 44-19-7 का स्कोर किया, लेकिन अभी मैं परफॉर्म नहीं करूँगा क्योंकि वो इनका एज रहा नहीं। नुमान कुलशिक्रा बहुत अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं और रिसेंट में एलपीएल वगैरह खेल रहे थे, मतलब क्रिकेट से ये भी जुड़े थे, ज़्यादा बुढ़े नहीं हुए, तो इनको भी ट्राई कर सकते हैं। पहले मैच में विकेट ले, उसके बाद 2-2 विकेट निकाले, 4 विकेट ले चुके हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट है। रफीक का ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, तो जीएल ट्राई करिएगा, लास्ट मैच में जरूर अच्छा किया हुआ था। दिलार फर्नांडो बहुत मारते थे सहवाग इनको चौका, सहवाग इतने चौके इसको मारते थे पागल हो जाता था इंसान, लेकिन अभी लास्ट गेम में ठीक ठाक बॉलिंग की, पिटाई फिर भी बहुत हुई थी, 50 रन के प्लस खा गए थे 4 ओवर में। चील ट्राई करिएगा, शोएब अख्तर के लास्ट मैच में ओवर कट हुए, शोएब अख्तर का मतलब थोड़ा सा वो मुझे सही नहीं लगा इसका फिटनेस, लेकिन फिर भी एज भी काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि ये अपने मतलब एक्सपीरियंस का अच्छा खासा यूज कर रहा था, यदि पहले शॉर्ट बॉल डाली, शॉर्ट बॉल में पिटाई हुई तो थोड़ा सा स्लोअर रन का इस्तेमाल किया, अपने मतलब एक्सपीरियंस से बॉल डाली और एक एक विकेट दोनों मैच पे एक्सपीरियंस के बेस पे से मिले हुए हैं। बाकी इसके परफॉर्मेंस के बेस पे ऐसा कुछ नहीं है। नीचे देखेंगे दोस्तों मुथैया मुरलीधरन, इनको आप ट्राई कर सकते हो, इनको लेने का रीजन ये है कि आईपीएल वगैरह में कोचिंग करते रहते हैं तो जुड़े हुए हैं क्रिकेट से, लेकिन क्रिकेट खेल नहीं रहे और 4-4 ओवर की बॉलिंग डाल रहे हैं, भले ही एक ही विकेट ले पाए अब तक, लेकिन इस मैच में ये आपको लिए अच्छा कर सकता है। उसका रीजन है और सामने ओवरसीज प्लेयर हैं जो कि स्पिन उतना बढ़िया खेल नहीं पाते और फिर भी अभी ठीक ठाक स्पिन करा रहे हैं, रन बहुत कम दे रहे हैं, लास्ट मैच में 4 ओवर डालते सिर्फ 23 रन दिए थे ऐसी बैटिंग कंडीशन वाले विकेट पर, तो अभी भी एक अच्छे विकेट हैं, मैं इनको आज अपनी टीम में रखूंगा, भले ही तीनों मैचेस में फ्लॉप हुए कोई नहीं लेगा, 15% सिलेक्शन है आज ही, तो चलो दिखा सकता है। नीचे देखें कोई बेंच में इनके कुछ प्लेयर हैं जिनमें कोई खेलता है तो स्टेट तो आप देख सकते हो, बाकी मैंने आपको बता दिया कि ये सब वापस जा चुके हैं, हफीज वगैरह काम रहना कौन वगैरह, इनके खेलने बहुत कम मतलब हाई नहीं खेलेंगे, नहीं 100% लोग नहीं खेलने वाले। बाकी दोस्तों आपके सामने परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। अब दोनों टीम के यदि स्क्वाड में कोई भी चेंजेस होंगे, स्क्वाड से कोई भी नया प्लेयर लाइनअप से जुड़ेगा, रिकॉर्ड टेलीग्राम पर मिलेगा। अभी के लिए फैंटेसी टीम हम देख लेते हैं हमारा क्या है, लेकिन फाइनल टीम टेलीग्राम पर जाएगी दी जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में मिलेगा। क्लिक करके आपने तुरंत टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, सारी अपडेट और फाइनल टीम के लिए। और यदि
लगी, लाइक नहीं किया था आपने वीडियो को तो लाइक जरूर कर देना और टेलीग्राम से जुड़े रहना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। फैंटेसी टीम की बात करें, ये टीम आप किसी प्लेटफॉर्म पर यूज कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस टीम में कोई भी चेंजेस करना चाहें अपने अकॉर्डिंग वीडियो की इन्फो यूज करके सीधे आप कर सकते हैं। मेरा टीम क्या है, स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर टीम में रमेश कुलवित्राना के साथ जाऊँगा। इनको लेने का रीज़न साफ साफ है, ओपन कर रहे हैं और विकेट ऐसा है कि भाई ओपनर को छोड़ना तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, इसलिए इनके साथ भी मैं जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में मैंने केविन पीटरसन, उपुल थंगा और अस्कर अफगान को पिक किया हुआ है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने केविन ओब्रायन, तिलक रत्न दिलशान और एलवी मोरकल को लिया हुआ है। और बॉलिंग्स मैंने मुतैया मुरलीधरन, इमरान ताहिर, नुवान कुलशेखर और मॉर्नी मोरकल के साथ गया हूँ। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की दोस्तों बात करें, कैप्टन मैंने केविन ओब्रायन है, वाइस कैप्टन अस्कर अफगान को किया हुआ है। ब्रायन ने लास्ट मैच में 3 ओवर की बॉलिंग भी की थी, ओपन भी करेंगे। अस्कर मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे प्लस लास्ट मैच में अच्छी खासी 2 ओवर डाल के 2 विकेट निकलते तो हो सकता है फिर से आज कुछ ओवर की बॉलिंग कर जाए। अब दोस्तों आप जो जीएल में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, यदि बॉल सेकंड हो या बॉल फर्स्ट हो मुतैया मुरलीधरन 4 ओवर कन्फर्म डालेंगे, जीएल में ट्राई कर सकते हो। सिर्फ 15% सिलेक्शन है। दिलशान को ट्राई कर सकते हो, उपुल थंगा को बना सकते हो, स्मॉलिक को भी थंगा को बना सकते हो, तो कुछ सीबीसी का ऑप्शन थे। बाकी मेरा टीम अभी के लिए यही है, लेकिन यदि इस टीम में मैं कोई भी चेंजेस करूँगा, कोई भी अपडेट होंगे तो सारी जानकारी आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो जुड़ जाएं। आप टेलीग्राम से लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ, क्लिक करके तुरंत ज्वाइन करें। और यदि वीडियो आपने लाइक नहीं किया था अभी तक, यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है सब करने में, तो 1 लाइक तो बनता है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, कुछ सजेशन तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।